अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की पुरखलूस मुबारकबाद। और ईद का पैगाम खुशियों का पैगाम है, मोहब्बत का, भाईचारगी का पैगाम है। और आज इस पैगाम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जहां आज नफ़रतों का, कड़वाहटों का बाज़ार गर्म है। अपने ज़ाती मफाद के लिए हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को आज लड़ाया जाता है, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन ऐसे खुशी के मौके जो आते हैं, जो त्यौहारों के मौके आते हैं, चाहे मुसलमानों के हो, हिंदू भाइयों के हो, सिख ईसाई सभी जिन किसी के हो, ये खुशियों का पैगाम है। तो मोहब्बत बांटें और सभी बिरादरान वतन मिलकर मोहब्बत के साथ इस मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जाएं, ऐसी हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और सब मिलकर रहें, मोहब्बत से रहें, किसी की बातों में ना आए, किसी के वरगलाने में ना आए, किसी के मुश्तइल होने में ना भड़कें, बल्कि समझदारी के साथ रहें और अमन व सलामती को, सुव्यवस्था का पूरा ख्याल रखें। ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं और अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। आमीन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।